नमस्कार दोस्तों, अभी अभी नासा ने एक बहुत बड़ी जानकारी दी है। धरती की ओर बुर्ज खलीफा से भी बड़े आकार का एस्टेरॉयड 94,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अनुसार यह एस्टेरॉयड आज धरती के काफी करीब होगा। पृथ्वी के लिए संभावित रूप से खतरनाक घोषित किया गया यह एस्टेरॉयड दरअसल 1000 चट्टानों का एक समूह है। नासा ने इस एस्टेरॉयड को 2016 AJ-193 नाम दिया है। नासा ने बताया कि यह एस्टेरॉयड 94,208 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा है। इस गति से यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के कक्षा के काफी करीब से गुजरेगा। नासा ने इसे नियर अर्थ एस्टेरॉयड के रूप में वर्गीकृत किया है। यह एस्टेरॉयड पिछले 65 साल में इस बार धरती के काफी नजदीक पहुंचा है। नासा ने इस एस्टेरॉयड के ऑर्बिटल ट्रैक की भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि धरती से यह एस्टेरॉयड नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा। खगोलविद अपने अध्ययन और शोध के लिए दूरबीनों का उपयोग करके इसका पता लगा सकेंगे। यह एस्टेरॉयड लगभग 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 4,500 फीट व्यास का है। क्षुद्र ग्रह इतना विशाल है कि इसका आकार बुर्ज खलीफा का 1.5 गुना और एफिल टावर के आकार का 4.5 गुना है। जनवरी 2016 में इसे पैनोरमिक सर्वे टेलीस्कोप और रैपिड रिस्पांस सिस्टम फैसिलिटी से सबसे पहले देखा गया था। यह अमेरिका में हवाई के हलीकला वेधशाला का हिस्सा है। दरअसल एस्टेरॉयड वो चट्टाने होती हैं जो किसी ग्रह की तरह ही सूरज के चक्कर काटती हैं, लेकिन ये आकार में ग्रहों से काफ़ी छोटी होती हैं। हमारे सोलर सिस्टम में ज़्यादातर एस्टेरॉयड मंगल ग्रह और बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर की कक्षा में एस्टेरॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी ये दूसरे ग्रहों की कक्षा में घूमते रहते हैं और ग्रह के साथ ही सूरज का चक्कर काटते हैं। करीब 4.5 अरब साल पहले जब हमारा सोलर सिस्टम बना था, तब गैस और धूल के ऐसे बादल जो किसी ग्रह का आकार नहीं ले पाए और पीछे छूट गए, वही इन चट्टानों यानी एस्टेरॉयड में तब्दील हो गए। यही वजह है कि इनका आकार भी ग्रहों की तरह गोल नहीं होता। कोई भी दो एस्टेरॉयड एक जैसे नहीं होते। नासा ने इसे खतरनाक एस्टेरॉयड की श्रेणी में रखा है। यह एस्टेरॉयड हाल के दिनों में आने वाले 5 में से तीसरा है। अनुमान है कि यह एस्टेरॉयड दुबई के बुर्ज खलीफा इमारत के आकार का हो सकता है। नासा इन दिनों 2000 एस्टेरॉयड पर नजर रखे हुए है जो धरती के लिए खतरा बन सकते हैं। नासा के अनुसार फिलहाल इस एस्टेरॉयड से धरती को कोई खतरा नहीं है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।